अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले टॉपिक तो आप जैसे देख रहे हो कि बोर्ड पे लिखा हुआ है साइटोकाइनिन है, दैट मीन्स हम प्लांट हार्मोन की सीरीज जो कर रहे थे उसमें हम दो हार्मोन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। पहला था ऑक्सिन एंड सेकेंड वन इज द जिब्रेलिन। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है साइटोकाइनिन, ठीक है। लेकिन लेक्चर शुरू करने से पहले एक बार मैं कॉन्ग्रेचुलेशन कहूँगी उन सभी स्टूडेंट्स को जिन्होंने इससे कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था और वर्ल्ड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी डे सेलिब्रेट किया। जो टॉपर्स में नहीं है, टॉपर्स की लिस्ट में या विनर्स नहीं भी हैं, तो भी बस बहुत थोड़ी थोड़ी सी कमियाँ रह गई थी जिसकी वजह से कुछ कुछ ही मार्क्स का अंतर है। तो दोबारा और मेहनत करें जिससे जो विनर्स हैं उनको भी कम्पीट कर सके, ओके नाउ। और विनर्स भी ऐसा ना सोचे कि मैम सारा फेवर सारा प्यार उन्हीं को क्यों दे रही हैं, ओके नाउ स्टार्ट कर रहे हैं साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन से स्टार्ट करने से पहले आज जो हम पढ़ने वाले हैं, जैसे कि हमने प्रीवियस हार्मोन प्लांट हार्मोन्स में पढ़ा था कि डिस्कवरी पढ़ते थे, स्ट्रक्चर पढ़ते थे, कहाँ पे साइट ऑफ सिंथेसिस है उसकी, प्लांट के किस पार्ट में पर्टिकुलर उस हार्मोन की सिंथेसिस हो रही है एंड उसका पाथवे क्या है, उसके बाद हम उसका फिजियोलॉजिकल रोल पढ़ते थे, देन मोड ऑफ एक्शन। आज का जो लेक्चर है वो बेसिकली साइटोकाइनिन की डिस्कवरी पर डिपेंडेंट है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले साइटोकाइनिन। ऑलरेडी हम दो पढ़ चुके हैं, थर्ड वन ये तीसरा मैंने इसलिए लिखा हुआ है, कोई ऐसे IUPAC वाला सिस्टम नहीं है जो नेमिंग कर दी गई है, लेकिन हाँ ये डिस्कवरी के बेसिस पे जब किया जा रहा था तो ये था कि ये तीसरा प्लांट हार्मोन डिस्कवर्ड किया गया, ठीक है। नाम है इसका साइटोकाइनिन। काफ़ी समय तक इसे जो ब्रैकेट में नाम लिखा है काइनेटिन, ठीक है, इसी नाम से जाना जाता था। साइटोकाइनिन नाम कैसे पड़ा, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आपको इसी से मिलता जुलता एक वर्ड आपने सुना होगा साइटोकाइनेसिस। ये बेसिकली साइटोकाइनेसिस क्या होता है आपको मालूम है, जब भी ये सेल डिवीजन कोई भी सेल डिवाइड करती है तो उसके लिए या सेल डिवीजन के जो स्टेप्स होते हैं वो मेजरली दो ही होते हैं, एक तो कैरियोकाइनेसिस, ठीक है, दूसरा वन हुआ साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस दैट मीन्स की डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, और जब हम कैरियोकाइनेसिस की बात करते हैं दैट मीन्स डिवीजन ऑफ सेल। तो जब इसका फिजियोलॉजिकल, काफ़ी समय तक तो इसे काइनेटिन नाम ही दिया गया था और इसी नाम से जानते थे, लेकिन धीरे धीरे जब रिसर्चर्स हुए और इसका फिजियोलॉजिकल रोल देखा गया तो ये पता लगा कि इसका इन्वॉल्वमेंट सेल डिवीजन में, मतलब ये एक मेन प्लेयर की तरह काम करता है, या ये भी कहें कि जो साइटोकाइनेसिस वाला इवेंट होता है उसको ये बहुत प्रमोट करता है, उस मतलब उसको प्रमोट करने का काम, एक्टिवेट करने का काम, या फिर ये कहें कि G2 फेज से M फेज में जो ट्रांजिशन हो रहा था, ठीक है, उसको उसमें एक मेन प्लेयर की तरह साइटोकाइनिन रोल प्ले करता है, जिसकी वजह से इसका नाम काइनेटिन से हटा करके क्या काइनेटिन भी बोलते हैं, बट जो अब पॉपुलर नेम है वो क्या है साइटोकाइनिन, ओके क्यों, बिकॉज ऑफ इन्वॉल्वमेंट इन साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस दैट मीन्स सेल डिवीजन। सेल डिवीजन में ऑलरेडी आपको मालूम है कि चार फेजेस या बोल सकते हैं चार इवेंट्स होते हैं जिसमें सेल साइकिल को डिवाइड किया गया है। अगर हम सेल साइकिल की बात करें तो जैसे कि आपको मालूम है, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रही, बस तीन फेजेस होती हैं G1, S, G2 एंड M, ठीक है। ये जो अबव थ्री हैं, राइट, एंड नेक्स्ट वन, ये तो सारी प्रिपरेटरी फेज होती है, जो डिवीजन होता है वो मेनली यहीं पर होता है, ठीक है। तो न्यूक्लियस तो ऑलरेडी यहाँ पर डिवाइड हो चुका है, तो साइटोकाइनेसिस वाला फेज ये G2 to M है, ठीक है। तो ये जो ये जो G2 to M ट्रांजिशन है, राइट, या डिवीजन फेज है, टेलोफेज वाला, कि सेल प्लेट का फॉर्मेशन, प्लांट्स में तो सेल प्लेट ही फॉर्म होती है ना, सेल वॉल तभी तो बनेगी, तो ये जो फॉर्मेशन वाला, मतलब कि ये क्या है कि न्यूक्लियस डिवाइड हो चुका है, उसके बाद सेल डिवीजन का जो इवेंट है, यानी कि सेल का अलग होना, दो डॉटर सेल्स का फॉर्म होना, उसमें कौन मेन प्लेयर है, साइटोकाइनेसिस, ठीक है, इस वजह से इसका नाम साइटोकाइनिन रख दिया गया। नाउ डिस्कवरी की अगर हम बात करें तो रिसर्चर्स चल ही रही थी, जो इसकी अगर डिस्कवरी को रिलेट करें तो सीधे ये टिश्यू कल्चर से रिलेट है, ठीक है, रिलेटेड है,
सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे विजनर, उन्होंने वो भी अपना एक्सपेरिमेंट टिश्यू कल्चर पर ही कर रहे थे। उन्होंने ये देखा इनका जो मतलब इनका वर्किंग पीरियड है वो 1892 है, उस दौरान ही उन्होंने देखा कि मतलब कोई बहुत ज़्यादा कंक्लूजन नहीं निकाल पाए थे, बट इन्होंने हाँ ये कहा कि अपने एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू कि जो सेल डिवीजन है उसको कंट्रोल करने का काम कौन कर रहा है, कोई एक केमिकल सब्सटेंस हो सकता है या केमिकल सिग्नलिंग के थ्रू या केमिकल मैसेंजर। ठीक है, सेल के पास तो मैसेंजर ही होते हैं ना, सेकेंडरी मैसेंजर या फिर प्राइमरी मैसेंजर, राइट। तो सेल सिग्नलिंग हो सकती है, वो जो सेल सिग्नलिंग है वो किसी केमिकल्स के थ्रू हो रही है। ठीक है, तो केमिकल सिग्नलिंग या फिर ये कहें किसी केमिकल सब्सटेंस कोई है ऐसा जो कि सेल डिवीजन को कंट्रोल कर रहा है। बाद में पता लगा वो कौन सा है केमिकल सब्सटेंस, साइटोकाइनिन, राइट। नेक्स्ट एक और साइंटिस्ट आए 1913 में, हैबरलैंड। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है इनका, हैबरलैंड का, इसलिए क्योंकि इनको फादर ऑफ टिश्यू कल्चर भी कहते हैं। ठीक है, हो सकता है एमसीक्यूज में आपसे ये पूछ लिया जाए कि हु इज द फादर ऑफ टिश्यू कल्चर। ठीक है, इन्हीं का काम सबसे पहले था वर्ल्ड में इस वजह से, राइट। तो काम तो इनका समझ में आ रहा है कि टिश्यू कल्चर पे काम कर रहे थे। इन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला कि बेसिकली इन्होंने जो काम किया था वो पिथ सेल्स पे किया था। ठीक है, वो भी पोटैटो जो ट्यूबर्स होते हैं उनकी पिथ सेल्स पे काम किया था। तब इन्होंने देखा और ये कंक्लूजन निकाला कि जितनी भी पैरेन्काइमेटस सेल्स होती हैं उनके पास मेरिस्टमैटिक एक्टिविटी है, यानी कि ये भी कह सकते हैं जितनी पैरेन्काइमेटस सेल्स हैं उनके पास डिवाइडिंग कैपेसिटी होती है। ठीक है, देन एक और साइंटिस्ट, अब लेकिन फिर भी ये ऐसा नहीं था कि एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे थे, ये बार बार एक्सपेरिमेंट करते जा रहे थे कि ताकि उस पर्टिकुलर सब्सटेंस को जो कि सेल डिवीजन के लिए रेस्पॉन्सिबल है उसको एक्सट्रैक्ट कर सके इसके लिए। लेकिन अगर ये कहा जाए कि ये मतलब आइसोलेट फॉर्म में या सेपरेट करके कोई पर्टिकुलर टिश्यू को आर्टिफिशियल मीडिया प्रोवाइड करके, तब सेल डिवीजन को किसी तरह से ऑपरेट नहीं कर पा रहे थे। तो हुआ क्या कि नेक्स्ट एक साइंटिस्ट आए स्टीवर्ड 1953 में, इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किस पे किया था, टोबैको पिथ पर। ठीक है, केवल जैसे इन्होंने पोटैटो ट्यूबर पर किया था हैबरलैंड ने, वैसे ही ये जो स्टीवर्ड थे, ठीक है, स्टीवर्ड 1953 में इन्होंने जो अपना एक्सपेरिमेंट किया था वो टोबैको पिथ पर किया था। नेक्स्ट इनका इतना इम्पोर्टेंट नहीं था क्योंकि ये भी मतलब एक्सपेरिमेंट तो कर रहे थे बट आइसोलेटेड फॉर्म में या आर्टिफिशियल मीडिया में सेल डिवीजन को मतलब ऑब्जर्व, ये जो सेल सेलेक्ट कर रहे थे या जिस जो भी कमी थी या कुछ मीडिया न्यूट्रिएंट्स और ये सारी चीज़ें देने के बावजूद भी सेल आइसोलेट फॉर्म में सेल डिवीजन नहीं कर रही थी। ठीक है, देन आए स्कूक। ठीक है, इन्होंने 1955 में, इनका एक्सपेरिमेंट काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट के लिए अपना मतलब अपना एक्सपेरिमेंट लगाया था वो निकोशियाना की, वही टोबैको का ही एक प्लांट लिया था, निकोशियाना टोबैकम की जो पिथ सेल्स होती हैं। ठीक है, आपको मालूम है कि जब भी आपने स्टेम का सेक्शन कट किया होगा तो उसमें सेंटर रीजन में आपने देखा होगा कि मोस्ट ऑफ दी केसेस में जो पिथ सेल्स होती हैं वो पैरेन्काइमेटस होती हैं। ऐसे ही बहुत जिसमें मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना हो तो उसमें स्क्लेरेन्काइमेटस हो जाए, अदरवाइज या फिर कम जब सेकेंडरी ग्रोथ हो जाती है उसके बाद हो सकती है, अदरवाइज पिथ की जो सेल्स होती हैं वो कैसी होती हैं, पैरेन्काइमेटस होती है। ठीक है, और पैरेन्काइमेटस सेल्स में ऑलरेडी ये बता चुके थे कि मेरिस्टमैटिक एक्टिविटी है हैबरलैंड। ठीक है, तो निकोशियाना टोबैकम में और साथ साथ में मीडिया न्यूट्रिएंट मीडिया तो प्रोवाइड कर ही रहे थे, तब इन्होंने और ऑक्सिन का, क्योंकि ऑक्सिन की डिस्कवरी हो चुकी थी तो ये अपने एक्सपेरिमेंट में ऑक्सिन का भी मतलब ऑक्सिन भी ले रहे थे। ठीक है, तो उन्होंने किया क्या कि निकोशियाना की जो पिथ सेल्स थी उनको एक्सट्रैक्ट करके एक आर्टिफिशियल मीडिया तैयार किया जिसमें न्यूट्रिएंट्स थे। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स के अलावा ऑक्सिन था, एक एक मतलब स्लॉट ऑफ या एक सेटअप ऐसा बनाया जिसमें केवल मीडिया और ऑक्सिन था। दूसरा जो एक सेटअप लिया उसमें उन्होंने क्या क्या इन्वॉल्व किया या क्या क्या चीज़ें ली, मीडिया लिया यानी कि न्यूट्रिएंट प्रोवाइड किए, ऑक्सिन प्रोवाइड किया, इसके साथ में कोकोनट मिल्क। ठीक है, जब इन्होंने देखा कि कोकोनट मिल्क ऐड कर रहे हैं हम सेटअप में तो वहाँ पे सेल डिवीजन दिख रहा है।
ठीक है, सेल डिवाइड कर रही है, जबकि इससे पहले जो स्कूब ने किया था जिसमें ऑक्सिन और मीडिया तो है, क्योंकि अब तक ये डिस्कवरी हो चुकी थी कि भाई ऑक्सिन जो है वो सेल एलोंगेशन में, सेल डिवीजन में पार्टिसिपेट करता है, लेकिन पूरी तरह से ये नहीं कह सकते थे कि ये ऑक्सिन है। अगर ऐसा ऑक्सिन ही खाली अकेले होता मेन पेयर, तो यहाँ पे तो ऑक्सिन प्रोवाइड कर दिया था, फिर सेल को डिवाइड करना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे सेल डिवीजन नहीं मिलता है इनको एक्सपेरिमेंट में। ठीक है, तो इन्होंने फाइनली क्या कंक्लूजन निकाला, यानी कि कोकोनट मिल्क में कुछ ऐसा है ना, कोकोनट मिल्क में कुछ ना कुछ ऐसा है जो कि सेल डिवीजन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट एक और साइंटिस्ट आए, मिलर, ठीक है, स्कूप के बाद, तो इसलिए इनका एक्सपेरिमेंट था, लेकिन एटलीस्ट ये कामयाब हो गए थे आइसोलेटेड फॉर्म में या किसी सेल को आर्टिफिशियल मीडिया में सेल डिवाइड कराने, मतलब कि कैलस फॉर्मेशन में एक तरह से गए, या ये कहें कि सेल डिवीजन को आर्टिफिशियली ये करा पा रहे थे, राइट। देन मिलर की बात करें, फिर एक और साइंटिस्ट आए मिलर, जिन इन्होंने क्या किया, यीस्ट का डीएनए लिया, यीस्ट आपको मालूम है एक फंगस है, और इसका डीएनए एक्सट्रैक्ट किया और उस डीएनए को कैलस फॉर्मेशन में, जब कैलस फॉर्मेशन वाला ये कल्चर कर रहे थे उस दौरान इस डीएनए का यूज़ किया, किसका, यीस्ट डीएनए का। अब कैलस क्या होता है, यहाँ पे एक नया टर्म आ गया, कैलस बेसिकली व्हाट इज दिस, ये क्या चीज़ है, इट इज़ अ मास ऑफ अनडिफ्रेंशिएटेड सेल्स, ठीक है। जब जैसे कि जब भी टिश्यू कल्चर का जो बेसिक है ना वो यही है कि कोई एक पर्टिकुलर सेल ले ली जाती है और उसको फिर इस तरह से ग्रो अप कराए या इस तरह से कल्चर कराते हैं कि वो एक मास ऑफ सेल बना ले जो कि एकदम सिमिलर है, सारी के सारे सेल्स एकदम सिमिलर हैं और उन सभी सेल्स के पास में टोटिपोटेंसी, मतलब कैपेसिटी जो है वो टोटिपोटेंट सेल्स है, दैट मीन्स कि उसकी एक हर सेल, वो जो पर्टिकुलर एक सेल से इतना मास ऑफ सेल्स बना है या जो टिश्यू फॉर्म हुआ है, टिश्यू तो नहीं कह सकते क्योंकि वहाँ पे लेबर ऑफ डिवीजन हो जाता है, यहाँ पे अभी चूंकि हर सेल के पास ये कैपेसिटी है कि वो पूरा का पूरा प्लांट और कोई भी पार्ट, प्लांट का कोई भी पार्ट बना सकती है, ठीक है। तो इस वजह उसी वो जो अनडिफ्रेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स है उसी को कैलस कहते हैं, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया कि उस कैलस फॉर्मेशन का जब ये कल्चर करा रहे थे या कैलस फॉर्मेशन वाला जो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे उसमें इन्होंने यीस्ट डीएनए का यूज़ किया, ठीक है ना। फिर तब इन्होंने देखा कि हाँ, जैसे कि कोकोनट मिल्क अपना असर दिखा रहा था और सेल डिवाइड करना शुरू कर रही थी, वैसे ही आइसोलेटेड या आर्टिफिशियल मीडिया में भी सेल डिवाइड करना शुरू कर रही हैं बिकॉज ऑफ, इन द प्रेजेंस ऑफ यीस्ट डीएनए, ठीक है। देन इन्होंने क्या किया कि फिर फाइनली एक्सट्रैक्ट किया उस डीएनए को, यानी कि यीस्ट डीएनए को, और उसके बाद उस डीएनए के अच्छे से स्टडी करी, जिससे उन्होंने ऑफकोर्स उसको जीन को देखा होगा और ये बताया जी, जो आइसोलेट करके इन्होंने फाइनली जो कंक्लूजन निकाला, या ये कह लें कि ये कामयाब हो गए थे उस पर्टिकुलर केमिकल सब्सटेंस को क्रिस्टलाइज करने में, ठीक है, आइसोलेट करने में जो कि रेस्पॉन्सिबल था फॉर द सेल डिवीजन, ठीक है। और उसको उन्होंने नाम जो दिया, वो केमिकल सब्सटेंस कौन सा था, IUPAC के अकॉर्डिंग, केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग वो था 6-फर्फ्यूरिल अमीनो प्यूरिन, ठीक है। तो इससे ये बात समझ में आई क्या कि ये जो, और यही जो 6-फर्फ्यूरिल अमीनो प्यूरिन था, यही सेल डिवीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल था, जिसे बाद में दूसरा नाम क्या दिया गया, काइनेटिन का, ठीक है। तो इनके एक्सपेरिमेंट से एक बात तो और पता चल गई थी क्या, कि ये प्यूरिन यानी कि जो साइटोकाइनिन है उसका स्ट्रक्चर जो है वो कैसा है, प्यूरिन रिंग के जैसा है, प्यूरिन रिंग, दैट मींस जो कि आपने जब डीएनए पढ़ा होगा तो उसमें नाइट्रोजनस बेस पढ़े होंगे, नाइट्रोजनस बेस में दो तरह के होते हैं, प्यूरिन एंड पिरिमिडिन, राइट। तो प्यूरिन में हमेशा मैं बताती हूँ कि जब भी आप प्यूरिन की बात करो, ठीक है, नाम छोटा रिंग दो, पिरिमिडिन नाम बड़ा रिंग एक, ठीक है। तो साइटोकाइनिन का जो स्ट्रक्चर था वो काफ़ी कुछ मिलता जुलता किससे था, प्यूरिन से था, ठीक है। तो इस तरह से दिस इज ऑल अबाउट डिस्कवरी ऑफ साइटोकाइनिन या काइनेटिन, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे कि इसका स्ट्रक्चर क्या है, क्या साइट ऑफ सिंथेसिस है, कैसे ट्रांसलोकेट होता है, और इसके फिजियोलॉजिकल रोल के बारे में। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, वीडियो अच्छा नहीं लगा हो तो डिसलाइक कर दीजिएगा।